स्वतंत्र भारत के राज्यकर्ताओं का जो घोष था सर्वधर्म समभाव, ये झूठा था क्या? सभी पंथ समान है ये जो वो कहते थे ये झूठ था? क्योंकि अगर सभी समान है और सर्वधर्म समभाव है तो फिर धर्मांतरण की सहूलियत संविधान के माध्यम से कैसे दी गई? ईसाइत और इस्लाम को हिंदुओं के धर्मांतरण करने का जो एक मार्ग उपलब्ध कराया, यह हिंदुओं पर एक अनन्वित अत्याचार है, एक मानवीय अत्याचार है। स्वतंत्र भारत के राज्यकर्ताओं ने ये जो बड़ी बड़ी गलतियां किया है, अभी वो गलती सुधारने की आवश्यकता है। संविधान के आर्टिकल 25 में जो मूल संविधान के ड्राफ्ट में जो शब्द नहीं था प्रोपागेट, वो संविधान बनने के बाद उसमें कैसे आया, यह एक प्रश्न चिन्ह है। और यह एक हिंदू विरोध में स्वतंत्र भारत में हुआ षड्यंत्र भी है। हमारी इस अखिल भारतीय दशम हिंदू अधिवेशन के माध्यम से यही मांग है कि संविधान के आर्टिकल 25 में अमेंडमेंट किया जाए, ये प्रोपागेट शब्द वहां से हटाया जाए और उसके बाद संपूर्ण देश में लागू एक धर्मांतरण विरोधी कानून ऐसे बनाया जाए कि ये शब्द हटाने के बाद भी कोई भी कानून की कोई लूपहोल्स को लेकर धर्मांतरण की प्रक्रिया पुनश्च भारत में प्रारंभ न हो, ऐसे सरकार देखे। गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत जी ने जो पहल किया है कि धर्मांतरण विरोधी कानून बनाना है, तो संवैधानिक सुधार के साथ अगर राष्ट्रीय स्तर पर यह कानून बनाना है तो गोवा के असेंबली से अगर यह प्रस्ताव पारित होकर केंद्र सरकार के पास जाता है तो गोवा इस हिंदू हित के बात में, हिंदुओं की भावनाओं की पूर्ति के हित में इस भारत देश का नेतृत्व करेगा, ऐसे मुझे लगता है। और हम सब हिंदू की भावना गोवा सरकार अगर पहुंचाते हैं तो निश्चित ही सब हिंदुओं को एक आनंद की वार्ता जरूर मिलेगी, ऐसे मुझे लगता है। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।